आज बहुत ही डिलीशियस नई रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पुरानी दिल्ली का मशहूर फेमस ये भुना कीमा है, हरी मिर्ची वाला, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। ये वहाँ का जो मशहूर होटल है पुरानी दिल्ली का, तो ये वहाँ बनाया जाता है और वहाँ पर लाइन लगी रहती है इस कीमे के लिए। बहुत ही फेमस है ये वहाँ का कीमा। तो भुना कीमा ये मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बनाया है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। ये देखिए कितना डिलीशियस बना है ये, उतना ही ये खाने में लज्जतदार था। और इसकी जो रेसिपी है बहुत ईजी है, हर कोई देख के बना सकता है। एक बार आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी ये कीमा लगेगा। मेरी रेसिपी के साथ आप ज़रूर बनाएं, आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए लिया था मैंने, लिए थे मैंने 2 टमाटर लिया था, ये 10-12 हरी मिर्ची हैं, और ये है अदरक पीसेस कर लिए मैंने छोटे छोटे, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, तो हमने ये ज़्यादा लिए हैं हरी मिर्ची और ज़्यादा तीखी नहीं है। ये था आधा एक किलो, ये है कीमा, मटन कीमा, आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। ये हम बाद में लगाएंगे हरी मिर्च और अदरक। ये है 2 प्याज जो बारीक बारीक काट लिए मैंने, 1 तेज़पत्ता है, 2 बड़ी इलायची हैं, 15-20 हैं काली मिर्ची और 4 हैं लौंग। इसको हम फ्राई करेंगे। किस तरह से मैं बनाऊंगी चलते हैं रेसिपी की तरफ। चूल्हा मैंने जला दिया है, मैंने रख दिया है बर्तन। अच्छा, बर्तन का पानी सूख गया तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं बना रही हूँ सरसों का ऑयल, जो आप खाते हैं वही ऑयल डालें। और इसमें मैंने ऑयल बहुत ही कम यूज़ किया है, आप ज़्यादा या इससे कम भी कर सकते हैं यूज़ ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तो मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे गरम मसाला, तब मैं बाद में और बाकी और मसाला डालूंगी। इसके लिए लिया था, देखिए मैंने अब डालेंगे गरम मसाले। ये चटक जाएंगे तो मैं डाल दूँगी प्याज, और जो मैंने इसके लिए मसाला लिया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये 1/2 टी स्पून है ये हल्दी पाउडर, और 1/2 टी स्पून है ये धनिया पाउडर, और 2 पिंच था ये गरम मसाला, और 1 टी स्पून था ये सॉल्ट। सॉल्ट और मिर्ची अब आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें, जितना आप खाना पसंद करते हैं। देखिए ये जो चटक गया था ये साबुत जो गर्म मसाला मैंने डाला था। अब मैंने इसमें डाल दी है 2 प्याज जो कि मैंने बारीक बारीक काटी थी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें और मसाले डालूंगी। अब मैं लूंगी लहसुन का पेस्ट। जब ये प्याज हमारी हो जाएगी ब्राउन, तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अगर आप ऐसे इसमें डाल के जैसे प्याज बन जाएगी तब आप ऐड करेंगे ना, बहुत ही डिलीशियस इसमें खुशबू आती है कीमे में, और बहुत ही लज्जतदार ये कीमा बन के तैयार होता है। ये हमारा 20 मिनट में बन के कीमा तैयार हो जाएगा, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है। अब देखिए प्याज जो ना ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, ये भी फ्राई हो गया, और जो बाकी मैंने मसाले बताए थे आपको मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मसाले को हम भून लेंगे ताकि कच्चापन न रहे, और जो जब कीमा तैयार होगा तो बहुत ही डिलीशियस ये कीमा बनकर तैयार होगा। अब इसमें मैंने जो ना 2 टीस्पून डाल दिया है पिसा पुदीना पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। 15-20 पत्ते लेके इसके पौधीने के, उसको बारीक बारीक काट लें, इससे बहुत ही डिलीशियस खुशबू आती है कीमे में, और ऊपर से हम लगाएंगे इसमें हरा धनिया भी, तो हमारा बहुत ही डिलीशियस बन के कीमा तैयार होगा, और इसका बनाना बहुत ही ईजी है। आप इसे चावल, परांठा या रोटी आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। इसमें मैंने डाली है आधी डाली मैंने इसमें शिमला मिर्च, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए इसमें सब्जी भी हो गई। इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, जैसा कि मैंने आपको बताए थे किस तरह से मैंने काटे हैं, छोटे छोटे पीसेस काटने हैं हमें। अदरक की मैंने चॉपिंग करी थी, और ये मैंने जो हरी मिर्च डाली है ये मैंने मोटे मोटे पीसेस इस काटे हैं, क्योंकि कीमे में अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ही डिलीशियस बन के कीमा तैयार होगा। और जो ये हमने डाला है ये टमाटर डाला है, शिमला मिर्च डाली है, और ये हरी मिर्च हमने शुरू में इसलिए डाला है अच्छी तरह से जो इसका पूरा इसका फ्लेवर है कीमे में आ जाएगा, और अच्छी तरह से गल भी जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कीमे के साथ। किस तरह से बना रही हूँ आप पूरी वीडियो देखें तभी बनेगा इतना डिलीशियस कीमा ये। अब 5 मिनट के बाद में मैंने डाल दिया है कीमा, जो कि देखिए मैंने अच्छी तरह धो लिया था। ये आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया बीफ, बफ, मटन, चिकन, कुछ भी ले सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। ये लिया है मैंने मटन कीमा 1/2 किलो। कीमा थोड़ा मोटा दरदरा होना चाहिए, तभी ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कीमे में, और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया, सारे मसाले मिल चुके हैं। अब इसे मैं 1 कप पानी डाल दूंगी गलने के लिए, क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, मैं इसे ओपन बर्तन में बना रही हूँ।
ढक्कन ढक के ओपन, तो इसलिए हमें इसमें हमने 1 कप पानी डाला है। और मैं शुरू में पकाऊंगी इसको तेज आग से, फिर मैं स्लो कर दूंगी स्लो, आपको 15-20 मिनट के अंदर पक्के रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी, अगर पानी रह जाता है तो आप उसे सूखा लें। इसको मैंने कवर कर दिया है, देखिए ढक्कन से अभी पक रहा है। बहुत ही, हाँ, क्या डिलीशियस इस लग रहा है ये देखने में, उतने खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। खुशबू आ रही है पूरे घर में, खुशबू महक गई कीमे की, तो आप ज़रूर बनाएं। बिल्कुल खुशबू से जो ना कबाब जैसा भी लग रहा था, और खाने में बहुत ही लजीज बनाता है कीमा, तो आप ज़रूर ट्राई करें। बीच बीच में इसे चलाते रहें जैसे कि मैं चला रही हूँ, देखिए ये गलने लगा है। और जो हमने टमाटर डाले थे, ये हरी मिर्च शिमला मिर्च, ये भी गलने लगी है। फिर इसको मैंने कवर कर दिया, और ये 25 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो गया कीमा। बहुत ही डिलीशियस बना था, टेस्टी बना था, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। और इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है, हर कोई देख के बना सकता है। जैसे मैं बना रही हूँ, आप का भी ऐसा ही टेस्ट आएगा अगर आप पूरी वीडियो आप देखकर बनाते हैं। देखिए कितना डिलीशियस, और भुना भुना बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी टेस्टी बनेगा। इसमें मसाले बहुत कम गए हैं, और ये हेल्दी कीमा बना है। इसमें मैंने मसाले बहुत कम यूज़ किए हैं, और मैंने इसमें लाल मिर्ची यूज़ नहीं की है, हरी मिर्च का। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। ये अच्छी तरह से गल चुका है, देखिए मैंने चला दिया, प्याज भी गल चुकी है, ये टमाटर सब गल चुका है। अब इसमें है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे, तेज आग कर दिए ताकि इसका पानी, ये देखिए सारा इसका पानी जो था ना वो सब उड़ गया, वो स्टीम बन के। और ये अच्छी तरह से पक चुका है कीमा, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस बना है, भुना हुआ बना है, एकदम मज़ेदार यम्मी टेस्टी। देखिए तो कितना मज़े का बना है, तो आप जो ट्राई करें। इस बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आप फिर कर सकते हैं पराठे के साथ इसे, या आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो आप आराम से ले जा सकते हैं। अब ऊपर से इसमें हम लगा देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, तो बहुत ही डिलीशियस ये बन के कीमा तैयार हो चुका है। लग रहा है ना डिलीशियस, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये पुरानी दिल्ली का मशहूर होटल का कीमा रेसिपी है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये सीक्रेट रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। आप जरूर ट्राई करें, इसी रेसिपी से बनाएं, और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसे आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, जैसे ज़ीरा चावल, बॉयल चावल, पराठा, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, और विथ सलाद के साथ खाएं तो बहुत ही खाने में मज़ा आता है। देखिए कितना डिलीशियस बना है, पानी भी इसका सब सूख चुका है, एकदम बनाए भुना भुना, बहुत ही यम्मी टेस्टी कीमा बन के तैयार हुआ था। और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, देखिए क्या देखने में कितने मज़ेदार लग रहा है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप भी बनाएं और खिलाएं, कोई मेहमान आए तो आप झटपट बना सकते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपको और अच्छी रेसिपीज बताऊंगी। देखिए मैंने सलादी बनाई थी, और देखिए कीमा कितना डिलीशियस लग रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप भी बनाएं और गरम गरम रोटी से खाएं, खिलाएं, और आपकी बहुत तारीफ होगी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। देखिए तो बनाए ना कितना मज़ेदार कीमा, और इसे मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, तो हमारा बहुत ही डिलीशियस ये कीमा बन के तैयार हुआ। तो आप भी खाएं, इंजॉय करें, और मेहमान के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं कीमा। बहुत ही डिलीशियस बना था, और आपकी तारीफ़ होगी, बहुत ही लज्जतदार बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।